ਤੇ ਉਧਰ ਮਨਾਲੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ HRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਵੜਿਆ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜਦੀਆਂ HRTC ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੋ ਮਨਾਲੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤਰਸਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ अमृता देखिए पहले से ही जो है इस बस स्टैंड के हालात खस्ता थे और आज जो है वो सुबह से ही जबरदस्त तरीके से बारिश चल रही थी और शहर के साथ जो है वो नाला बहता है जिसमें पानी बढ़ा और ये पानी जो है वाटर लॉगिंग के बाद जो है सड़क से होते हुए जहां पर HRTC की ज्यादातर वॉल्वो बसें और निजी बसें जो है वो खड़ी पार्क रहती हैं वहां घुसा और जिस तरीके से पत्थर मलबा जो है पूरे बस स्टैंड तक पहुंचा सड़क जो है वो थोड़ी देर तक जो है वो बाधित रही उसके बाद कुछ पार्किंग में जो है HRTC की बसेस खड़ी थी जो स्टार्ट नहीं हो पाई और पानी जो है वो बसों के अंदर घुस गया और बसों को क्षतिग्रस्त किया तो जाहिर तौर पर परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ी है इसमें जो है देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे है जो मनाली तक पहुंचता है और ये एंट्री पॉइंट है मनाली का फिलहाल स्थिति सामान्य है लेकिन जिस तरीके से पानी बड़ा था बारिश का पानी बड़ा था और मलबा जो था और कीचड़ जो था उसकी तस्वीर देखी जा सकती है और बस स्टैंड जो है वो पूरी तरीके से लबालब जो है वो दलदल से भरा हुआ है पानी से भरा हुआ है हालांकि पहले भी हमने कुछ दिन पहले इसी बस स्टैंड के खस्ता हालात को लेकर जो है वो एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई थी लेकिन स्थिति अब बरसात के बाद क्या है वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है जी आने वाला सीजन बरसाती सीजन ही रहेगा मॉनसून है तो क्या इसी तरह का मंजर रहेगा या फिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई सुधार किए जाएंगे या गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल अमृता हालांकि जो है वो बरसात का सीजन अभी बाकी है लगातार जो है मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जो है वो तमाम मध्यम ऊंचाई और ऊंचाई वाले इलाकों में इसी तरीके का बारिश का रुख रहने वाला है तो उसको लेकर लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है लेकिन प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जाते रहे हैं कि जो है बरसात से निपटने के लिए जो है वो पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं हालांकि सवाल ये बनता है अमृता की ये साथ लगता जो नाला है वो खुला था और ओपन होने की वजह से जो है वाटर लॉग हुआ और वाटर लॉगिंग करने के बाद जो है वो नाला जिस तरीके से नदी की तरफ जाता था तो और डाइवर्शन होने के बाद जो है NH पर जो है इसका पानी आ गया और पानी NH से होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचा तो जाहिर तौर पर खामियां जरूर हैं उसे दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में इस तरीके से जो है तस्वीरें देखने को ना मिले और इस तरीके से जो है सैलानी जब यही समय रहता है जब वॉल्वो में दिल्ली से जो है और दूसरे राज्यों से जो सैलानी है मनाली वॉल्वो बस स्टैंड तक पहुंचते हैं ऐसे में पहुंचने के बाद जो है जो सुबह सुबह बसों में यहाँ पर पहुंच रहे थे उन लोगों को जाहिर तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ा होगा हालांकि अभी फिलहाल जो है वहां से मक क्लियरेंस करने के लिए प्रशासन ने टीमों को भेजा जरूर है लेकिन बरसात अभी बाकी है आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से बरसात जारी रहेगी तो इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को जरूर मिलेगी जी बिल्कुल जाहिर तौर पर इसे दुरुस्त करने की जरूरत है कब तक दुरुस्तगी होगी ये जरूर देखना होगा बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस पूरी जानकारी के लिए